देखिए भारत एट नाइन काविंद्र चौहान के साथ। गुड इवनिंग एंड वेलकम दर्शकों, इस महीने की एक तारीख को दिल्ली हाई कोर्ट ने बेजुबान जानवरों के हक में एक फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा था कि स्ट्रीट डॉग्स को भी राइट टू फूड है और नागरिकों को भी राइट टू फीड है। जस्टिस जे आर मिडा ने जो कुछ कहा था मैं उसको कोट कर देता हूं। उन्होंने कहा है कम्युनिटी डॉग्स स्ट्रे और स्ट्रीट डॉग्स हैव द राइट टू फूड एंड सिटीजंस हैव द राइट टू फीड कम्युनिटी डॉग्स बट इन एक्सरसाइजिंग दिस राइट केयर एंड कॉशन शुड बी टेकन टू इंश्योर दैट इट डज नॉट इम्पिंज अपॉन द राइट्स ऑफ अदर्स और कॉज एनी हार्म हिंड्रेंस हैरेसमेंट एंड न्यूसेंस टू अदर इंडिविजुअल्स और द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि स्ट्रीट डॉग्स को भी राइट टू फूड है और उनके साथ कोई भी घटना होने पर भी मुकदमा होता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि स्वयं को मतलब खुद को मतलब अपने आप को जानवरों का सबसे बड़ा रखवाला मानने वाली माननीय सांसद मैडम मेनका गांधी के अस्पताल का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, उस वीडियो में क्या कुछ है और उस वीडियो के साथ किसको मारने की साजिश हो रही है सब कुछ बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि संजय गांधी एनिमल केयर सेंटर जो है वो एक जानवरों का हॉस्पिटल कम शेल्टर है। यहाँ की चेयरपर्सन और कोई नहीं बल्कि मैडम मेनका गांधी है और इस अस्पताल की ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप जाते हैं विजिट करते हैं तो वहां इसके बारे में लिखा है कि द हॉस्पिटल कम शेल्टर वॉज इन्विसेज्ड एज अ 24/7 फैसिलिटी दैट वुड रेस्क्यू होम ट्रीट एंड रिहेबिलिट एनिमल्स सर्व एज अ ट्रेनिंग सेंटर फॉर वेट्स and animals handlers run an OPD, offer diagnostic services, provide burial facilities and serve as a holding center for animals of cruelty cases. दोबारा repeat कर देता हूँ, provide burial facilities and serve as a holding center for animals of cruelty cases. सुनने में कितना अच्छा, कितनी अच्छी वाणी, कितने अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग। और चेयरपर्सन मैडम मेनका गांधी, उनकी वाणी, उनके शब्द सब पब्लिक डोमेन में है, कॉल रिकॉर्डिंग्स, एक से एक अच्छी भाषा। इस हॉस्पिटल का अबाउट अस और मैडम मेनका गांधी की कॉल रिकॉर्डिंग्स जो बताती हैं वो अबाउट अस, एक होता है जमीन और एक होता है आसमान। तो चेयरपर्सन का अबाउट अस जो है वो है जमीन और जो हॉस्पिटल का जो अबाउट है वो है आसमान। क्या है इस है? अब आपको एक वीडियो दिखाता हूं और इससे संबंधित पूरी खबर इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स नामक एक वेबसाइट है उस पर छपी भी है। तो कावेरी भारद्वाज है, दिल्ली बेस्ड एक लड़की है, युवती है कावेरी भारद्वाज, इनको डॉग मदर के नाम से भी जाना जाता है। तो कावेरी ने एक वीडियो को पोस्ट करते हुए संजय गांधी अस्पताल की पोल खोल कर रखी। इस वीडियो में संजय गांधी अस्पताल में आईसीयू 2 के 2 पैरावेट्स एक फीमेल डॉग के साथ मारपीट करते दिख रहे हैं। जी हाँ, एक फीमेल डॉग के साथ 2 पैरावेट्स मारपीट करते दिख रहे हैं, उसके साथ हैवानियत की सारी लिमिट्स क्रॉस करने की कोशिश करते हैं और इसके बाद जो बहादुर लड़की इस फीमेल डॉग को किसी तरह वहां से छुड़ाकर पुलिस स्टेशन लेकर जाती है उसको मारने के लिए गुंडे भेजे जाते हैं। यह तो कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र लगता है दोस्तों मुझे, पुलिस को इसकी गहनता से जांच करनी चाहिए और मेनका गांधी जी को शर्म आनी चाहिए कि देश भर के डॉक्टर्स के साथ अभद्रता करती हैं आप और आपके अस्पताल में बेजुबानों के साथ इस तरह का सुलूक किया जाता है। यह वीडियो विचलित करने वाला है, आपको ब्लर करके दिखाना पड़ेगा ताकि समझ में आ सके कि मेनका गांधी के खुद के अस्पताल में बेजुबानों के साथ क्या कुछ होता है। काश मेनका गांधी जी जितना पाठ आपने देश भर के डॉक्टरों को पढ़ाया है उस पाठ्यक्रम का एक आध चैप्टर आप खुद भी पढ़ लें तो कितना अच्छा हो। दुर्भाग्य है लेकिन आप ये वीडियो देखिए। तो ये वीडियो था जो संजय गांधी अस्पताल से सामने आया है। वीडियो सामने आने के बाद मेनका गांधी के एनजीओ पीपल फॉर एनिमल्स इंडिया पीएफए ने एक स्पष्टीकरण जारी किया है।
स्पष्टीकरण में लिखा है दोनों पैरावेट्स के खिलाफ केस फाइल कर दिया गया है। इसके साथ ही ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर पर भी केस किया गया है। इसके आगे जो लिखा है वो खुद व खुद शर्मनाक है। उन्होंने कहा है कि डिल्यूज ऑफ केसेस है। सो मिसेस गांधी, यू आर सेइंग द डॉग वॉज थ्रेस्ड बिकॉज ऑफ द डिल्यूज ऑफ केसेस। SGACC has, I would say, good job, Menaka Gandhi, on issuing statements like these after such a horrendous incident. अब जरा वो वीडियो सुनिए जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये जो वीडियो आया संजय गांधी अस्पताल से, इसमें जिस फीमेल डॉग को पीटते हुए दिखाया गया है, उस फीमेल डॉग को वहां से एक लड़की पुलिस थाने लेकर पहुंची और इस बहादुर लड़की ने बताया है कि उसके पीछे अस्पताल की तरफ से गुंडे भेजे गए हैं, उसको मारने की साजिश हो रही है। ये बच्ची है, इसका टैग नंबर है 1573। ये संजय गांधी एनिमल केयर सेंटर में एडमिट हुई थी। मैं खुद उधर जॉब करती हूँ, लेकिन इस बच्ची को आज एक पैरावेट ने बहुत बुरी तरीके से मारा है और इसके साथ रेप करने की कोशिश करी है। आपने देखा होगा इसके वजाइना से ब्लीडिंग हो रही है, इसका पेट बहुत ज़्यादा फुला हुआ है। यहाँ पर इसके इसके हाथ पर इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। सारी वीडियोज़ है मेरे पास, मैं आपके साथ अटैच कर रही हूँ सारी वीडियोज़। और अब मुझे भी उन लोगों से खतरा है, उसने मेरे को धमकी दी है कि वो मुझे जान से मार देगा और मैं अकेली घर से आती जाती हूँ तो मुझे भी ज़रूर मारेगा। और उधर की डायरेक्टर जो सो कॉल्ड अपने आप को एनिमल लवर समझती है और बोलती है अपने आप को आवृत्ति, उसने भी मेरे को मारने तक की धमकी दी है और अभी वो मेरे को लड़के भेजकर पिटवाने की कोशिश कर रही है। लड़के भिजवा रही है वो हर जगह हमारे पीछे पीछे, हम जा भी जा रहे हैं। अभी हम इस डॉग को लेकर आए हैं और अब हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं उसकी कंप्लेंट फाइल करने। लेकिन फिर भी मैं ये वीडियो बना रही हूँ अपने एक अपने आप को सेफ रखने के लिए, क्योंकि ये लोग मेरे को मारने की धमकी दे रहे हैं। और आवृत्ति ने उस लड़के को वहाँ से गायब करा लिया है, ना कि उस पर उसने कोई भी एक्शन नहीं लिया और वो हर बात पर हमें ही ब्लेम कर रही है। हॉस्पिटल पैरावेट का नाम है सत्यम और प्रदीप, दोनों ICU 2 के पैरावेट है। पूरी क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं ना आप लोग? समझिए, अगर अस्पताल प्रशासन इन्वॉल्व ही नहीं है तो वो बहादुर लड़की जो इनके यहां से उस बेजुबान को लेकर आई है, उसके साथ तो पूरे प्रशासन को खड़ा होना चाहिए था, पूरे हॉस्पिटल को खड़ा होना चाहिए था और उन लोगों के खिलाफ होना चाहिए था जो लोग ये दरिंदगी कर रहे थे। लेकिन जो उस बेजुबान को वहां से लेकर आया, थाने लेकर गया, उसके खिलाफ ये अस्पताल क्यों खड़ा नजर आ रहा है भाई? कौन इस लड़की को मरवाने की साजिश कर रहा है? कौन इस लड़की के पीछे गुंडे भेज रहा है? अब ये लड़ाई बढ़ चुकी है। दर्शकों, एक चीज होती है, बड़ा कॉमन फ्रेज है इंग्लिश का, दैट इनफ इज इनफ। अब लड़ाई बढ़ चुकी है, द वॉर इज ऑन। अब पीछे हटने का सवाल नहीं होता। और मेनका गांधी जी, जो लड़की इस वीडियो में बता रही है कि उसकी जान को खतरा है, जो लड़की इस वीडियो में बता रही है कि अस्पताल के कुछ लोगों ने इसके पीछे गुंडे भेजे हैं, तो आपको मैं बता दूं, मेनका गांधी जी, आपको इस लड़की को सुरक्षा देनी चाहिए। और अगर इस लड़की को कुछ भी होता है तो अब आपको माफी के साथ साथ इस्तीफा भी देना पड़ जाएगा। इस लड़ाई को छोटा समझने की भूल मत करिएगा। और आपके अभद्र व्यवहार की क्लिप आज भी सोशल मीडिया पर रोशन है, मेरे MCR के पास भी रोशन है, चलाता रहूंगा, आपकी ऑडियो क्लिप प्ले कर दूंगा, बार बार क्लिप प्ले करता रहूंगा और आपकी शालीनता, आपके कल्चर का खूब बखान करूंगा। आप माफी नहीं मांगती, मत मांगिए, लेकिन एक दिन मैं आपको गारंटी देता हूं, एक दिन आपको एहसास होगा कि आपने जो कुछ किया वो सब गलत था। और जिस दिन ये एहसास होगा मैडम मेनका गांधी जी, उस दिन आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा। और हाँ, मुझे रोकने की नाकाम कोशिश मत करिएगा, बिकॉज आई विल नॉट स्टॉप। बाकी रोक सके तो रोक लीजिएगा, ब्रिंग इट ऑन, बस इतना ही कहूंगा आपसे। लेकिन जो वीडियोस आज हमें दिखाने पड़े वो दुर्भाग्यपूर्ण है। एक समाज हमारे देश में ऐसा भी है जिसको लेकर कोई बात नहीं करता। वेटरनरी डॉक्टर्स लगातार, आधा महीना हो चुका है, लगातार ट्विटर पर हर जगह अभियान चला रहे हैं, कोई भी इनके साथ खड़ा नहीं, कोई भी। लगातार लोगों को टैग कर रहे हैं, लगातार अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी सामने नहीं आ रहा। मेनका गांधी जी, आप किस अहंकार में हैं ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन आज सच मन बहुत दुखी है, दिल बहुत व्यथित है। मेरे ऊपर और प्रोग्राम्स करने की भी मजबूरियां हैं और बड़ी खबरों को दिखाने की भी मजबूरी है, लेकिन फिर भी एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, मैं प्रोग्राम दिखाने में लेट हो सकता हूँ, मैं प्रोग्राम करने में लेट हो सकता हूँ, लेकिन इस अभियान को मैं छोड़ूंगा नहीं। एंड आई टेल यू टुनाइट, I am leading this campaign and I'll not stop at any cost. Thank you.